ओके गाइस, तो हमने स्टडी का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा है, टिक अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर हमको लेना है, अल्फाबेट कैरेक्टर, यहाँ पे अल्फाबेट लिखना सही होगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं अल्फाबेट, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर लेना है और उसको चेक करना है क्या वो अल्फ़ाबेट हम लिए हैं वो अपर केस है या लोअर केस है। ठीक है, ये चेक करना है वो अपर केस है या नहीं। ठीक है, अपर केस है या नहीं, लोअर केस का बात नहीं है, सिर्फ चेक करना है वो मेरा अपर केस है या, अपर केस मतलब बड़का ए बी सी डी है कि नहीं। ठीक है, अगर बड़का ए बी सी डी है तो हमको क्या करना है, चेक करना है क्या हम जो इंटर किए हैं कैरेक्टर वो वोवेल है या फिर कंसोनेंट। क्वेश्चन समझ में आया? एक हम कैरेक्टर लेंगे, वो कैरेक्टर हम चेक करेंगे मेरा बड़का ए बी सी डी वाला है में से कोई है या नहीं। ठीक है, अगर बड़का ए बी सी डी वाला है तो हम क्या करेंगे, अगर बड़का ए बी सी डी वाला है तो हम चेक करेंगे हम जो कैरेक्टर दिए हैं वो मेरा वोवेल है या फिर कंसोनेंट है। तो इसको करने का क्या तरीका होगा, वही तरीका होगा जो हम करते आ रहे हैं। तो हैशटैग इंक्लूड यहाँ पर समझ जाइएगा, इंट मेन भी समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ में हम क्या करते हैं, मेन के बॉडी में आते हैं तो मेन के बॉडी में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको कैरेक्टर लेना था, क्या करते हैं हम यहाँ पे कैर टाइप का एक वेरिएबल मान लेते हैं, कैर सी एच नाम का एक वेरिएबल मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कैरेक्टर इंटर करवा लेते हैं, तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ इंटर कैरेक्टर, इंटर कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे स्कैन एफ की मदद से परसेंटेज सी एड्रेस ऑफ सी एच हम इसमें स्टोर करवा लिए, सी एच में स्टोर करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोला गया है चेक करना है वो मेरा अपर केस है कि नहीं, अपर केस अल्फ़ाबेट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस का वैल्यू का यूज लेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होता है 60 से बड़ा होता है, बड़का ए बी सी डी में बड़का ए बी सी डी का होता है वैल्यू 60 से बड़ा होता है, सॉरी 60 या 65 से था, हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं गाइस, तो हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे मेरा होता है 65 होता है, सॉरी 65 होता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या मेरा सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है। ठीक है, और एंड क्या सी एच लेस देन इक्वल टू 90 है या 97 चेक कर लेते हैं गाइस, इसका वैल्यू तो ये मेरा है 90 से छोटा है, ये चेक कर लेते हैं, इसका वैल्यू पे चल रहे हैं गाइस। ए कैपिटल ए का यस का वैल्यू, कैपिटल ए का होता है मेरा 65 और कैपिटल जेड का होता है मेरा 90, इसका वैल्यू करेक्ट है, कैश का वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसके बीच में लाई कर रहा है तो हम समझ जाएंगे वो मेरा क्या है, कैपिटल ए बी सी डी या फिर अपर केस अल्फाबेट है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो इसके बॉडी में आएंगे, अब इसके बॉडी में आएंगे, अब हम चेक करेंगे क्या जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो मेरा क्या है, मेरा वोवेल है या फिर कंसोनेंट है। तो वोवेल के लिए क्या करते हैं, तो वोवेल के लिए हम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वोवेल के लिए क्या होता है मेरा ए आई ओ यू यही मेरा वोवेल होता है, तो इसी के लिए हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या सी एच इक्वल टू मेरा कैपिटल ए है और सी एच इक्वल, ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसलिए हम धारा लिख रहे हैं, कैपिटल ए सॉरी कैपिटल यहाँ पे देखिए अब ए के लिए तो हो गया, अब यहाँ पे ई के लिए, तो ई के लिए चेक कर लेते हैं, उसके बाद सी एच इक्वल टू उसके बाद आई के लिए चेक कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ओ के लिए भी चेक कर लेंगे, तो सी एच इक्वल टू ओ और सी एच इक्वल टू क्या है यू, इस सब के लिए चेक कर लेंगे, अगर इस सब में से कोई में भी लाई करेगा तो इसका मतलब समझ जाएंगे हाँ इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे क्या प्रिंट एफ क्या वोवेल, तो वोवेल प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पे ऐसा अगर नहीं हुआ तो इस इफ का हम क्या करेंगे इल्स लिखेंगे, तो इल्स प्रिंट एफ नॉट अपर केस वोवेल, ये अपर केस वोवेल नहीं है, और मान लेते हैं यहाँ इसका भी इफ इल्स लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये अगर कंडीशन अल्फाबेट अपर अल्फाबेट नहीं हुआ तो हम इसका भी इल्स लिख देते हैं, इल्स वाला पार्ट, तो इसका इफ हो गया, अब यहाँ पे इसका हम इफ के बाहर आते हैं, यहाँ पे इल्स लिखते हैं, इसका इल्स लिखेंगे, तो ये मेरा इसका हो गया कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे इल्स लिखेंगे, इसका इल्स यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ नॉट अपर केस अल्फाबेट, अपर केस अल्फाबेट नहीं है, सेमीकोलन लगा के यहाँ पे आप उसके बाद रिटर्न जीरो करके बात खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं और उसके लिए हम देखते हैं रन करके। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, हम एक इनपुट लेते हैं, मान लेते हैं हम पहले क्या होगा सी एच नाम का एक वेरिएबल बना, इसमें मान लेते हैं हम इंटर यहाँ पे एक कैरेक्टर हम इंटर किए कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए हम इंटर किए, तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे सी एच मेरा क्या है स्मॉल ए का इसका वैल्यू मेरा होता है 97 के आसपास, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ 97 होता है इसका वैल्यू 97 है, तो यहाँ पे चेक होगा मेरा क्या 97 ग्रेटर देन इक्वल टू 65,
कहाँ 90 से ग्रेटर दैन 65 होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा 65 है 65, तो 97 मेरा ग्रेटर दैन होता है 65, तो ये कंडीशन तो ट्रू है। लेकिन यहाँ पे आएंगे तो ये मेरा देखिए 90 से छोटा नहीं है, 90 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और इसके अंदर में जाएगा ही नहीं है, डायरेक्ट एल्स वाला पार्ट चलेगा और कहेगा क्या अब अपर केस अल्फाबेट मेरा नहीं है। ठीक है, अब अगला इनपुट लेते हैं, मान लेते हैं हम अगला इनपुट लेते हैं कैपिटल यू, तो कैपिटल यू लिए तो क्या होगा, कैपिटल यू का मेरा इसका वैल्यू है, आपको ये याद करना, इसका वैल्यू का याद करने का जरूरी नहीं है, ये जोड़ किया जाता है, सिर्फ पंचे का यू याद करना पड़ता है। ठीक है, तो कैपिटल यू का मेरा होता है 85, तो ठीक है कैपिटल यू का मेरा 85 होता है, तो यहाँ पे चेक होगा क्या 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 65, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पर भी चेक होगा क्या 85 लेस देन इक्वल टू 90, तो हाँ ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ओवरऑल ट्रू हुआ तो इसके अंदर में घुस गया, अंदर में घुस गया तो अब क्या चेक करेगा, अंदर में घुसा तो चेक करेगा क्या अब क्या सी एच इक्वल टू ए है, नहीं, सी एच इक्वल टू ई है, नहीं, आई है, नहीं, ओ है, नहीं, यू है, तो यू है और ऑपरेटर है, तो कंडीशन ये को ट्रू हुआ तो सब ट्रू हुआ, तो सब ट्रू हुआ था इसके बॉडी में घुस जाएगा, लिख देगा क्या भोवेल, भोवेल लिख देगा और यहाँ के इसका इफ चला तो इसका एल्स नहीं चलेगा और ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये भी नहीं चलेगा, उसके बाद मेरा सिर्फ भोवेल प्रिंट करके रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन का आइडिया देने का कोशिश किए, जैसे हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।